Hey guys, welcome back to YouTube channel Isha and Disha Sisters. How are you all? Hope you all are awesome and doing well. First of all, a very good afternoon to all of you. और दिन के बज रहे हैं कुछ 2:30, तो आज का व्लॉग होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग. और आफ्टर अ वेरी लॉन्गेस्ट टाइम आई एम गोना शूट अ व्लॉग फ्रॉम मी. तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं. छोटे से व्लॉग में ही हम सब कुछ आपके साथ शेयर कर देंगे. बैंडेड लगी है अभी शॉप से लेके आई हूँ, क्योंकि कट लग गया था नाइफ से. तेजस्वी उठ गई है मेरा बच्चा तेजू. कितने गंदे लग रहे हैं आप. हेलो बेबी. हेलो एवरीवन. तो दिशा ने जैसे कि इंट्रो तो दे ही दिया है, हम सिस्टर्स तीनों. चलो दिशा ने इंट्रो तो आपको दे दिया है. सो यहाँ पर देखिए, ये कुछ स्वीट्स आ रखे थे क्योंकि वेडिंग थी किसी की. सो बहुत काफ़ी बड़ा डब्बा है एंड यू नो इसमें बहुत सारे स्वीट्स थे, बट अभी कुछ इतने ही बचे हैं. सो आप लोग भी मुँह मीठा करो, है ना. आपको आना पड़ेगा, लेकिन आना पड़ेगा. आ जाओ. सो ये थे कुछ स्वीट्स. और आज बाय द वे पापा गए थे सुविधा सुपर मार्केट, वहाँ से कुछ फॉर्च्यून वगैरह किचन का ही सामान लाए हैं. बाकी फ्रूट्स वगैरह मटरी वगैरह पड़े ही हैं. यस, क्योंकि जब शादी में जाते हैं तो ये सब होता ही है. और बाय द वे अचार भी रखा है मिर्ची का और मूली का, और वो बनाती है मेरी मामी. बहुत अच्छा अचार डालती है. अगर आप लोगों में से भी किसी को चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस. बहुत अच्छा अचार है. सो एक्सक्यूज मी. या एंड मैंने लगाई थी मेहंदी. नानी के घर जब गई थी. हेलो गाइस, बैकग्राउंड हो गया है चेंज आफ्टर अ वेरी लॉन्गेस्ट टाइम, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा व्लॉग किचन में भी शूट कर रही हूँ. सोचा कि चलो थोड़ा सा अच्छा लगेगा. और मैंने किचन में काई के लिए शूट किया. कुछ कंटेंट होता है ना यार, कि हम कहीं जा रहे हैं, व्लॉग शूट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए. तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपना कुछ क्राफ्ट का सामान. दिस इज माय स्टिकर बॉक्स. तो ये है मेरा स्टिकर बॉक्स. करने की जरूरत नहीं थी मुझे, लेकिन मैंने फिर भी किया. ये देखो मेरा स्टिकर बॉक्स है, जिसमें मैंने ये पूरा वाइट था. सच बताऊँ तो एक मॉइस्चराइजर का बॉक्स था. मैंने सारा मॉइस्चराइजर इसमें से निकाल के फेंक दिया. मैंने वेस्ट नहीं किया यार, वो ना थोड़ा अजीब सी थी उसकी परसिस्टेंसी, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया. और ईशा चुप हो जाओ. ये देखो यहाँ पे मैंने साइड्स में गोल्डन नेल पेंट लगाई है. और ना अगर आप इस पे ऐसी किसी भी मॉइस्चराइजर के बॉक्स पे ऐसे, मतलब जो होता है ना ऐसा उसका फैब्रिक होता है, तो फैब्रिक है नहीं मटेरियल, ये मटेरियल है ऐसा, उसमें पेंटिंग नहीं हो पाती है. तो मैंने गोल्डन नेल पेंट की ईशा की, और फिर इसके अंदर यहाँ पे येलो नेल पेंट की ईशा की, यहाँ पे भी येलो नेल पेंट ईशा की. और बीच में जब नेल पेंट लग गई तो उसका थोड़ा सा जो है मटेरियल उसका फ्लैट हो गया, अच्छा हो गया. तो फिर मैंने ये वाइट पेंट कलर से ऐसे स्टीकर लिख दिया मैंने उस पर. और ये दो छोटे छोटे हार्ट्स बना दिए ऐसे, ठीक है. और ये नीचे मैंने वाइट रखा, मेरे पास मेरे को समझ नहीं आता कौन से कलर करूँ, मैंने वाइट ही रखा. थोड़ा एलिगेंट सा अच्छा सा लग रहा है. अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं. इनमें से समानता ने मेरे को काफ़ी बना के दिए हैं, और कुछ मैंने खुद भी बनाए हैं. सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना फेवरेट स्टिकर दिखाऊँगी, बोबा टी स्टिकर. समानता को अ वेरी बिग थैंक यू. दिस इज़ बोबा टी स्टिकर जो समानता ने स्पेशली मेरे लिए बनाया था. एक सेकेंड. देन नेक्स्ट ये एक प्लांटर, जो कि मैंने समानता की, जो समानता ने बनाया था उसी की मैंने रिक्रिएशन की है. तो समानता से तो अच्छा नहीं बना है, पर उसका बहुत ही अच्छा था. लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है उसकी तरह बनाने का, तो बताना कैसा लग रहा है. नेक्स्ट मैंने बनाई है ये एक, जल्दी जल्दी बताती हूँ, बुर्ज खलीफा जैसी लिपस्टिक. बुर्ज खलीफा जैसा है ना पूरा. नीचे मैंने मैट लिखा है, जबकि वो मैट है नहीं, उसकी कंपनी मैट है, ठीक है मान लीजिए. फिर मैंने एक फेविकॉल बनाया है, मैंने एक, ठीक ही है, ज़्यादा बैड भी नहीं है. मैंने एक जैकेट बनाई है, ये तो अभी गंदे गंदे से दिख रहे हैं. अभी जो समानता वाले दिखाऊंगी वो बहुत प्रिटी हैं. हाँ अब स्टार्ट होते हैं समानता वाले स्टिकर जो समानता ने मेरे लिए बनाए हैं. दिस कोरियन टॉप, ईशा मैंने पहले ही बोल दिया है.
देन दिस बूट, ब्लैक कलर का बूट, जिसे ईशा ने बोला कि समांथा ने एल क्यू बनाया, फिर मैंने बोला ध्यान से देखो ये बूट है, आ जाए इधर, ये बूट है, ठीक है, ये यहाँ क्यों शूट कर रही हो, अच्छा तो लग रहा है, आज किचन में क्यों शूट कर रही हो, ये मेरा कहने का मतलब है, यहाँ क्यों कर रही हूँ, ये देखो ये मेरा गुच्ची का पर्स जो कि समांथा ने मेरे लिए बनाया है, गुच्ची का पर्स, यार तुम तो पूरी। उसके बाद उसने मेरे लिए, ईशा मम्मा कुछ कह रही है, यस मॉम, उसके बाद उसने मेरे लिए बनाया है ये स्कार्फ। समांथा को मैंने बोला था कि समांथा को मैंने बोला था कि स्कार्फ बनाओ, लेकिन अब मेरे को समझ नहीं आ रहा सर्दियाँ चली गई मैंने स्कार्फ क्यों बनवाया। चलो डोंट वेरी, अच्छा लग रहा है वो। उसके बाद एक बनाई है गोवा हैट, बहुत क्यूट है। देन नेक्स्ट गोवा हैट के बाद मैंने एक बनाई है सेंटा कैप, ये भी काफ़ी, मैंने नहीं बनाई, सॉरी समांथा ने बना के दी है सेंटा कैप। देन उसने मेरे लिए बनाया है ये पांडा, उसके ना फाइनल एग्जाम के लिए वो पढ़ रही थी, लेकिन मैंने उसे बोला कि मेरे लिए स्टिकर बना देना, तो वो मतलब थोड़ा उसने अपना पढ़ाई का साइड रखे, मेरे लिए खूब सारे स्टिकर्स बनाए, तो थैंक यू सो मच, और बहुत इसमें मेहनत लगी है, मैं भी सामने ही बैठी थी, मैं देख रही थी कि कर क्या रही है, कैसे कर रही है, बहुत मेहनत लगी थी। सेकेंड लास्ट दिस स्कर्ट, ब्लैक स्कर्ट एंड दिस कोरियन स्कर्ट, चेक चेक कोरियन स्कर्ट, वाओ, ये स्टिकर तो यार वैसे ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन लेकिन आप रेट करो मेरे स्टिकर बॉक्स को कि मेरा स्टिकर बॉक्स कैसा लग रहा है। बताना मेरे स्टिकर बॉक्स आप लोगों को कैसा लगा, क्यूट है ना, मेरे को तो क्यूट लगा, आप लोगों को पता नहीं, बिल्कुल वाइट था ये, बिल्कुल साफ था, लेकिन मेरे को लगा कि यार कोई भी जज कर लेगा कि ये एक मॉइस्चराइजर का बॉक्स है, लेकिन फिर मैंने इसमें पेंटिंग करी, नेल पेंटिंग करी, तो वो अच्छा हो गया। इग्नोर करना यार, मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी मैं होपलेस हो रही हूँ, इसलिए इग्नोर करना। बाकी कैसा लगा मेरा स्टिकर बॉक्स मेरे को बताना, टाइम हो गया है वीडियो बनाते बनाते कुछ इतना, भले वीडियो कम मिनट की बनी है लेकिन इतना हो गया। सो गाइज, इफ वी गो इन सुनीता सुपर मार्केट, सो वी डेफिनेटली शूट अ व्लॉग, राइट, यू आर राइट, यस, अब हिंदी में बोल देती हूँ, हाँ बोलो, अगर हम सुपर मार्केट गए सुनीता तो वहाँ पे जरूर हम वहाँ पे वीडियो शूट करेंगे, ठीक है, सो या हो गया, इसलिए हमारे साथ मतलब वो बने रहो, बने रहो, वो बने रहो, बने रहो, ठीक है, बाय गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, बाय बाय।